हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ में लाई हूँ शेयर करने के लिए घर पे बहुत आसानी से बाजार से भी अच्छा मावा कैसे बनाएं उसकी रेसिपी। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप भी घर पे इतनी आसानी से मावा बनाकर तैयार कर पाएंगे। मावे की ज़रूरत हमें हर मिठाइयाँ या स्वीट डिश बनाने में पड़ती रहती है, तो क्यों ना घर पे ही ताज़ा फ्रेश मावा बनाकर तैयार किया जाए। तो चलिए घर पे मावा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो घर पे मावा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेवी बॉटम कढ़ाई ली हुई है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पैकेट दूध। तो एक पैकेट मेरा यहाँ पे 500 ml का है, यानी कि टोटल 1 लीटर दूध से मैं मावा बना रही हूँ। तकरीबन ये 5 कप दूध यहाँ पे डाला है मैंने, और इस 5 कप दूध के साथ में मैं 250 ग्राम मावा तैयार करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, और हाई फ्लेम पे मैंने दूध को उबलने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें दूध को अच्छा बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दूध में पहला उबाल आने वाला है। अब यहाँ पे मैं चम्मच चला रही हूँ जिससे दूध एकदम से ऊपर नहीं आ जाए और ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। तो जैसे ही दूध उबलने लगेगा आप थोड़ा फ्लेम को कम कर दीजिएगा। और यहाँ पे अभी जब एक बार दूध में अच्छा बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद में हमें दूध को रिड्यूस करना है। तो इसको मैं आपको बता दूं कि जब एक बार बॉयल आ जाए तब चम्मच चलाइएगा, उसके बाद में लगातार चलाते रहिएगा। और जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे आप देखेंगे कि मलाइयाँ जो है साइड में जमना शुरू हो जाएंगी और दूध जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये जो मैं आपके साथ में मावा बनाना बता रही हूँ इसको बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको इसको बनाने में। जब तक दूध का पकना है तब तक ही टाइम है, उसके बाद में कुछ भी मेहनत नहीं और ये मावा बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार मैंने यहाँ पे चलाया है इसको हाई फ्लेम पे, और दूध बिल्कुल रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस होकर के तकरीबन यहाँ पे ये 2 कप के जितना बच रही है। तो इसको मैं लगातार अभी भी चला रही हूँ क्योंकि आप इसको छोड़े नहीं, वरना ये तले में लग सकता है। तो जले नहीं दूध, एक बार उबाल आने के बाद में आपको बस इसको लगातार चलाते ही रहना है। और आप यहाँ पे देखेंगे तकरीबन 15 मिनट गुजर चुका है, यहाँ पे दूध को मैंने अच्छा सा काढ़ लिया है और दूध का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बादामी कलर का होता जा रहा है ये। तो बस अभी हमें इसको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाना है। घर में जो दूध से मावा बनाते हैं हम, वो बहुत किफ़ायती होता है और कम टाइम में बनकर तैयार होता है। बाज़ार का मावा कभी कभी फ्रेश नहीं रहता है, तो इससे अच्छा है कि हम घर पे ही बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मावा बनाकर तैयार कर लें और हर स्वीट डिश और हर जो मिठाइयाँ बना रहे हैं हम घर में उसमें ये यूज़ करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत क्लोज व्यू दिखा रही हूँ आपको कितने अच्छे से ये बॉयल हो रहा है, और इसको मैं लगातार चला रही हूँ, रोक नहीं रही हूँ, और मलाइयाँ जो हैं साइड्स पर जमना शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं बिल्कुल तकरीबन 1 कप के जितना दूध रह गया है, गाढ़ा हो गया है ये। मलाई को मैं इस तरह से खुरच कर इसमें डाल दे रही हूँ और अभी हमें इसको बराबर से और चला देना है, छोड़ना नहीं है, बस लगातार स्टर करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार दूध को मैंने हाई फ्लेम पे पकाया है और वो कितनी गाढ़ी हो गई है, तकरीबन 1 कप के जितना बच रही है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। इसी स्टेज में हमें यहाँ पे एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स ऐड करना है इसमें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दूध का पाउडर, जो कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। 1 लीटर दूध से मावा बनाने के लिए आपको दूध पाउडर 2 चम्मच बस डालना है और उसके बाद में लगातार इसको चलाते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब दूध गाढ़ी हो चुकी है तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं किया है, हाई फ्लेम पे ही मैं लगातार इसको चला रही हूँ, रोक नहीं रही हूँ हाथ को, और आप देखेंगे कि ये अच्छी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसको और भूनना नहीं है, और बस ये हमारा झटपट इंस्टेंट घर पे ही मावा बनकर तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल भी मुझे मेहनत नहीं लगी है, 20 से 25 मिनट हुए हैं अभी और यहाँ पे घर पे हमारा फ्रेश ताज़ा मावा बनकर तैयार हो चुका है। अभी तो ये बहुत गर्म है तो थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगी तो क्रम्बल होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा हाथों से क्रम्बल कर लीजिए और इसको यूज कर लीजिए किसी भी आप जो स्वीट डिश बना रहे हैं उसमें। मावा जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए, तो आप इसको क्रम्बल कर एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। 4 से 5 दिन तक ये बिल्कुल आराम से चलेगी और फ्रेश रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, और कोई भी डिश जो आप बना रहे हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मावे की ज़रूरत हमें हमेशा फेस्टिवल के वक्त में होती है, जब हमें ढेर सारा मावा चाहिए होता है शीर खुरमा वगैरह बनाने के टाइम में। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ कि मावा को बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ और 4 to 5 डेज तक आराम से ये चल जाता है, फ्रेश रहता है बिल्कुल। तो मावा बाजार से ना मंगा कर मैं घर पर ही बनाना प्रेफर करती हूँ, जिससे कि मावा मेरा फ्रेश रहता है और अच्छी क्वालिटी का रहता है। तो घर पर इस तरह से आप भी मावा बनाइएगा। तो घर का बना हुआ मावा बिल्कुल फ्रेश, प्योर और हाइजीनिक तो होता ही है, तो इसको आप अपनी रेसिपीज में ट्राई करें, बिल्कुल सेफ है ये और बहुत आसानी से फास्ट तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है। वक्त में आपको बता दूं सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेगा आपको इसको बनाने में।
तो उम्मीद करती हूँ उन सारे व्यूअर्स की जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उनकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है, वो इसको ट्राई करें और घर पे फ्रेश मावा बनाकर तैयार करें। हलवाई से भी बेहतर मावा आप घर पर बना सकते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से मावा को बनाकर स्टोर कर कर अपने रखिए और इसको रेसिपीज़ में यूज़ करिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, कैसी बनी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर अच्छी लगी है ये रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे कर दीजिएगा शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और इस मावा को यूज़ करते हुए मैं बहुत अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपीज़ लाने वाली हूँ आप सभी के लिए। मुझे कमेंट कर कर अगर आपके पास में कोई भी रेसिपी रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताएं। मेरे चैनल के रिगार्डिंग कोई भी हो सजेशन तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी मैं ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपने फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।